और इस धरती को सर्वाइवल के लिए या इस धरती का जो फॉर्मूला है वो यही है कि यहाँ पर 1 से 2% लोगों को सक्सेसफुल जिंदगी मिलनी है, 98% जो हैं वो बस जिंदा रह करके मर के चले जाएंगे, उनका कोई जीवन में उनको सक्सेस, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ये तीन चीज, ये तीन बातें मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। हम लोग मतलब तुम लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि तुमसे इस तरह की बातें की जा सकती है, पहले तुमसे आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले पूछते कि क्यों जिंदगी जी रहे हो तो शायद स्कूल का वो बच्चा जो है मुश्किल में पड़ जाएगा, उसके लिए इस तरह के सवाल को सोचना अभी कोई मतलब। लेकिन अब तुम लोग इस लाइफ में आ गए हो कि तुमको ये सोचना पड़ेगा कि हम जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन हम क्यों। आई शुड हैव ए वैलिड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस और नो? डू यू ऑल हैव वैलिड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि हम क्यों जी रहे हैं? कई बार तुमसे 10 साल 20 साल 30 साल बड़े व्यक्ति से भी पूछा जाता है तो वो यहां तक भी बोल देते हैं झुझला करके कि जब मैंने किसी से पूछा कि क्यों जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं बताइए, बोला क्या करें, मर जाएं। तो क्या ये सही जवाब है? क्या जिंदगी को जीने के लिए भी कोई अच्छा सा कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी में खुशियां हैं, जिंदगी में गम है, जिंदगी में मुस्कुराहट है और जिंदगी में आंसू है। लेकिन चूंकि जिंदगी में आंसू है, चूंकि जिंदगी में गम है, इसलिए खुशियों का आनंद कई गुना है। अगर तुम जिंदगी से सारे गम को हटा दो तो खुशियों का आनंद आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अरे वो केक जब तुम कभी कभी खाते हो तो अच्छा लगता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, सप्ताह में 7 दिन और महीना में 300 दिन तुम वही केक खाओ तो वो मजा, यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो खुशियां जब जब मिलती है आनंद होता है, क्योंकि कभी हमें कभी हमें गम भी मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर जिस मुद्दे पर तुम लोग को आज बात करने के लिए बुलाया था उसी पर लौटता हूँ कि हम लोग पहला तो प्लान नहीं बनाते हैं, दूसरा प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तीसरा जब एग्जीक्यूट करते हैं तो पहली प्रॉब्लम आते ही निकल लेते हैं, भाग खड़े होते हैं। जैसे तुम लोग में से शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो बॉक्सिंग का खेल खेलता होगा, शायद कोई नहीं, लेकिन बॉक्सिंग सबने देखा होगा, ठीक है। बॉक्सिंग के गेम में जो प्लेयर होता है उस प्लेयर को जब तक वो बॉक्सिंग में पंच मार रहा है और सामने वाले को गिरा रहा है उसको मजा आता है कि नहीं आता है? खूब मजा आता है। और अगर वो जीत रहा है उसको मजा, और अगर एक दो पंच उसने सामने वाले के जबड़े पे मार दिया है? और मजा आएगा, ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट? खूब मजा आ रहा है। लेकिन जो पहला मुक्का मुंह पे लगा अब क्या हुआ, मजा खराब। और अगर 2-4 और लग गए और खराब। हाँ अच्छा, बॉक्सिंग में एक रूल होता है कि अगर कोई प्लेयर, उसके साथ उसके कोच होते हैं, उसकी टीम मैनेजर होता है, अगर वो कोच टॉवल को रिंग में डाल दे तो गेम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और जिसने टॉवल डाला उसको हरा हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि जो खिलाड़ी होता है जब उसको 2-4 जोर से लग जाता है तो तुरंत कोच की तरफ देखता है कि टॉवल डाल दो। उसको मतलब वो जो मजा जब तक आ रहा था तब तक, जहां परेशानी आई वहां पर। क्या इस तरीके से आप जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं? मैंने क्या कहा, जिंदगी में दुख जो है वो भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत काम के हैं, परेशानियां जो हैं वो भी बहुत काम की हैं।